क्या मसला है? देखिए मसला क्या है, हम रखे गांव से ताल्लुक करता हूँ, मैं कंसर्न सरपंच रखे गांव का हूँ। और जो हमारा ये आज इन्होंने यहाँ ड्राइव किया है, पुलिस और फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ या म्यूनिसपलिटी से उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट को बुलाया था यहाँ पे, इनका जो मकसद है इंक्रोचमेंट निकालना। लेकिन जो रखे है, जब तक रखे गांव की बात है, जबकि रखे गांव की अगर हम बात करेंगे, रखे गांव के लोग यहाँ खुद रहने के लिए नहीं आए हैं, उनको यहाँ रखा गया, इनको यहाँ रहने के लिए लाया गया है। अब रही मामला ये, हम इस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं 3 महीने के लिए, जो कि आप देख रहे हो पीछे जो आपको विजिबल्स नजर आ रही है, हम इसमें 3 महीने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। क्या है कि डिपार्टमेंट ने इससे पहले नोटिस निकाल लिया, जो कि इस वक्त मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ, 14 गांव को ये इनक्रोचमेंट है, जो ये रख है वाइल्ड लाइफ की जो रख है, जिसको वेटलैंड कहता है, ये 14 गांव ने इस पे इनक्रोचमेंट करके रखा है। जबकि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने बाग बनाया है, उनको नहीं निकाला गया, रखे गांव को निकाला गया है। अब तो हमें उससे कोई लेना देना तो है ही नहीं। हम गवर्नमेंट से यह नहीं कहते हैं कि आप ये रखे गांव को इनक्रोचमेंट ना निकाले, हम इसके साथ शान भी शान खड़ा है, उनको इनक्रोचमेंट निकालना है, ये लोग निकाले। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा और मकसद यह है कि रखे गांव के लोग अगर यहाँ पे कुछ खा रहे थे, वो शाली के कारण यहाँ पे कुछ खा रहे थे, लेकिन बदकिस्मत से मामला क्या हो गया है, उन्होंने बांध बीच में काट दिया है। जब उन्होंने बीच बाढ़ में बांध काट दिया है, तो हमारे रोजी रोटी का मामला बनता है अब, क्योंकि हम इस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। जब कल्टीवेशन खत्म हो गया, अब हमारी रोजी रोटी का मामला बन गया। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन सा सिस्टम रखा है, जबकि आपको पीछे इतना बड़ी रख नजर आ रही है, इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे, 3000 कुनाल से भी ज्यादा रख है। गवर्नमेंट से हमने इससे पहले भी इल्तिजा किया है, हमने गवर्नमेंट से इससे पहले भी आगाह किया है कि बराए मेहरबानी कि इस पे टूरिस्ट का कोई प्लान बनना चाहिए, ताकि हम लोगों का रोजगार का मामला बने। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। आज इन्होंने ये बांध ये उखाड़ दिया है। हमारे यहाँ से 300 बच्चे है गांव पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है ये, कौन सा गवर्नमेंट की हम तोकवा रख रहे हैं, किस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ से हमें 300 बच्चे इसी रास्ते से जो आपको पीछे नजर आ रही है, 300 बच्चे यहाँ से हमें स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त प्रेजेंट इस हुजूमा में मौजूद है। लेकिन उन्होंने उनको भी रोका है, उन्होंने बाइकॉट किया, कहा कि हमें यह रास्ता उखाड़ना है। अब क्या चाहते हो? हम खाली ये चाहते हैं कि बराए मेहरबानी जो हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, इसी रोड से इन्होंने यह रोड उखाड़ा है, उन्हीं को यह बनाना है। एक बात, दूसरी बात, यह वाइल्ड लाइफ ने बनाया है, यह किसी की घर की प्रॉपर्टी नहीं है, यह मैंने नहीं बनाया, यह वाइल्ड लाइफ वालों ने बनाया। मैम आज जो ड्राइव यहाँ पे चली है इलीगल, जो यहाँ पे लैंड था उसको ये कर रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये 20-25 साल पुराना एनक्रोचमेंट था, जिसको आज हम कोशिश कर रहे हैं इविक्ट करने की, जिसके लिए हमने मशीनरी यूज की है, ये सोपोर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनके साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वाइल्ड लाइफ के सारे डिवीजन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड सब मिलकर ये इविक्शन कर रहे हैं। तो ये लोगों का इलीज है कि ये 200 साल पुराना ये है, 200 साल पुराना नहीं, तो इसमें ये कल्टीवेट कर रहे थे, तो तब से ये ड्राइव की नहीं हुई है, तब से इनको ये पहले भी दो चार बार नहीं, अब मुझे याद नहीं कितनी बार ये हो चुका है, इससे पहले भी इसमें ड्राइव हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हुआ है, इन्होंने ये पैडी कल्टीवेशन की है। लेकिन अब गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि वेटलैंड को अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमें रेस्टोर करना है। इससे पहले लोग एलिज कर रहे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जो पैसे ले रहे थे उनसे, तो देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अब जो पुराना जो हो चुका है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी इलीगल चीज़ें अगर हुई हैं तो वो अब ख़त्म होनी चाहिए, अब फिर से ये वेटलैंड जो जिनका जो पर्पज़ है उसी के लिए रहनी चाहिए। मैम अंडर अगर ये वाइल्ड लाइफ कर रहा है, ये ड्राइव का डिमोलिशन ड्राइव वाइल्ड लाइफ चला रही है, तो वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे कोई प्रेजेंट है? क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं तो ये करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। मैं खुद वहाँ पर थी, सब लोग वहीं पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर अब ज्यादा भी इनको, क्योंकि ये वहाँ पर JCB का यूज हो रहा है, उस वजह से ये आपको। थैंक यू।